जाया गया। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की वजह से सैकड़ों फैक्ट्री मालिक परेशान हैं, जिनका काम किसान आंदोलन से शुरू होने के बाद से ही चौपट है और वो आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर के करीब सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी ऐसी ही जगहों में से एक है, जहां करीब 1800 फैक्ट्री हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। इन फैक्ट्रियों में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कामकाज पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों फैक्ट्री ठप होने से अब तक सैकड़ों करोड़ों के नुकसान का अनुमान है और फैक्ट्री में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान महीनों बंद रहे कारखानों के लिए ये दौर उससे भी ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिए हैं जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गारमेंट लेबल फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो जो शर्ट और जो पैंट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, जो कंपनियों का जो लेबल लगा होता है, वो लेबल यहां पर तैयार होता है। और ये देखिए, हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीन दिखेंगी मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन मशीनों को आज से तकरीबन, मैं बात करूँ तो 50 दिन पहले ये मशीनें रेगुलर यहाँ पर चल रही थी, लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर से जब मेरी बात हुई है, जो मालिक से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए अपने मशीनों को एक बार चालू जरूर करते हैं, चलाते जरूर है, ताकि ये रनिंग में रहे। देखिए, कभी यहाँ पर आज से 50 दिन पहले यहीं पर खड़े होके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, मशीन को चलाते थे, लेकिन आज के तारीख में जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी 50 दिन उसके पूरे हो गए हैं, उसके वजह से जो मजदूर हैं वो इन फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं, और इनका कहना है कि 1 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, 50 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन में, किस तरीके से इस 50 दिन को आप लोगों ने गुजारा है, कितने कर्मचारी यहाँ पर आ पा रहे हैं, किस तरीके से नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ? 1 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है जी, और कम से कम हमारा लेबर का जो कॉस्टिंग का जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ पा रहा है, जो हमारा लेबर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा गुड्स फिर भी तैयार हो रहा है वो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो सर कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं फर्श पर इतने ज़्यादा कपड़े हैं, यहाँ पर रोजाना कितने इस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते थे, अब कितने यहाँ पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि देख पा रहे हो 2 ही 4 हैं हमारे पास जो है जी, अभी मुश्किल से 30 से 40% लेबर ही पहुँच पा रही है। हम लोग भी दूर से आते हैं, हमें भी 1-1 घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पहुँचने में। जो नुकसान है वो तो है ही है, रास्ते नहीं मिलते आने के लिए, 10-15 किलोमीटर दूर दूर से घूम घूम के आना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल आना होता है, 4-4 घंटे गाड़ी फंसी होती है जामों में, उसके बाद किसी तरह से कहीं भी जाके दिन में एक आधी गाड़ी पहुँच पाती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में ममता सरकार के एक मंत्री हाथ में लाठी